नमस्कार दोस्तों, अशोक मणिकार ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ देखिए इन्वर्टर है, सोलर उसके ऊपर लगा हुआ है दोस्तों। सीमेंट सीट पे 165 वाट का 3 सोलर लगवाए हैं। यहाँ पे इन्वर्टर है, नीचे आप लोग देख सकते हैं बैटरी नीचे है, ठीक है। ओकाया लिखा हुआ है लेकिन उसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी है लुमिनस का, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रिज देख सकते हैं। आज अगर मौसम की बात करें तो दोस्तों ठंडा मौसम है, बिल्कुल बदरी किया हुआ है। देखिए देख सकते हैं, देखिए इधर हमारा घर दिख रहा है खपड़ा वाला, इधर देख सकते हैं दोस्तों ऐसा नज़ारा है। बिल्कुल धूप नहीं है, लेकिन दोस्तों रात भर जो है कूलर चला था। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्रिज भी है, लेकिन बैटरी देखिए फुल चार्ज हो चुका है। देख सकते हैं इन्वर्टर का, यहाँ देख सकें इन्वर्टर का, देखिए ग्रीन लाइट डायरेक्ट जलने लगा। ग्रीन लाइट अगर डायरेक्ट जल रहा है तो इसका मतलब है बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अगर ये ग्रीन बत्ती जो है बिलिंग कर रहा है, मतलब बिता रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर बिता रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रही है। अगर डायरेक्ट जलने लगा ग्रीन लाइट तो दोस्तों बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रिज है, अभी हमारा फ्रिज नया आया है, ठीक है। अभी उसके अंदर बोतल भी नहीं है, जैसे पानी का बोतल भी होता तो दोस्तों उसको चला देते ठंडा पानी पीने के लिए, लेकिन बोतल आज मार्केट से हम लाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोगों को करीब से दिखा दिए, देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज हो गई है। लेकिन दोस्तों फ्रिज को अगर हम चलाएंगे फिर भी बैटरी डाउन होगी, लेकिन फ्रिज में जो है फ्रिज को अगर हम चलाएंगे भी तो फ्रिज जो है बहुत ही कम बिजली खाता है। 5 स्टार हमारा फ्रिज है, दिखा देते हैं आप लोग को, हम बता रहे हैं 5 स्टार, आप लोग सोचेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देख सकते हैं, देखिए पन्नी से ढक रहा है, देख सकते हैं, देखिए 5 स्टार है। इसका मतलब कि जितना देखिए 1 2 3 4 5 5 स्टार हमारा फ्रिज है, कम बिजली खाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है यहाँ पे हमारा जो है बैटरी फुल चार्ज हो गया है, इसको हम डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, मतलब चार्ज ज़्यादा हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि कूलर को चालू कर देते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे हमारा कूलर चलने लगा, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हवा जो है एक नंबर का हवा दे रहा है, देखिए पानी इधर जो है रोशनी है, देखिए देख सकते हैं। हवा जो है एक नंबर का है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे चल रहा है तो आवाज़ भी कर रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं पानी चल रहा है। कूलर जो हम लगवाए हैं हनी कूल का है, मतलब घास वाला नहीं है, इसमें देख सकते हैं मिनोल है, इसमें दिया था बर्फ रखने के लिए, जैसे हमें और ठंडा हवा लेना है इसमें बर्फ, तो फ्रिज का ठंडा पानी डाल देंगे तो हवा और ठंडा मिलेगा, इसके लिए था। अभी आप देख रहे हैं हमारा कूलर चलने लगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए अभी बैटरी जो है फुल चार्ज है, देखते हैं कितने देर में लाइट इसका ड्यू करना शुरू करता है, ठीक है। देख सकते हैं, ये सोचिए दोस्तों लाइन से अच्छा जो है सोलर सिस्टम है, अगर घर पर लग गया सोलर सिस्टम तो लाइट से एक नंबर का है, बिजली जमा करने का ऐसे बिजली बिल देने का झंझट ही खत्म, देख पा रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताते रहेगा आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हमें बताते रहेगा आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। देख पा रहे हैं, देखिए बैटरी फुल चार्ज है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रहा है, पूरा हमारा देखिए यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इधर का हवा, देखिए इसको हम छोड़ते हैं, देखिए उड़ गया दोस्तों। घर थोड़ा हमारा सही नहीं है, घर का स्थिति गड़बड़ा, देख सकते हैं। देखिए अभी नया घर बना था, इसको लिपना पोतना बाकी रह गया है, इसमें हम सेटअप कर दिए, क्योंकि दोस्तों सामान रखेंगे था, ठीक है, नया सामान था उसको सेटअप कर दिया है। अभी ज़मीन देखिए सूखना बाकी था, देखिए अभी लेवाना गया है, इसको भी सूखने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्वालिटी फिलहाल को जल रहा है, हवा देखिए कैसे दे रहा है, देखिएगा
देखिए अंदर कैसे देख पा रहे हैं, उसका पत्ते अंदर वाला घूमता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम करके हवा देता है, देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए भी पूरा चल रहा है, कितना देर में बैटरी चार्ज करना शुरू करता है, मतलब अभी तो फुल चार्ज नहीं है, मतलब जब ये लगेगा बढ़ने बुटाने लगेगा, मतलब कुछ बत्ती उसका डिलीट करना शुरू कर देगा तो पता चल जाएगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसको फिर चार्ज करना शुरू कर दिया है, लेकिन बैटरी फुल चार्ज है, उसको डिस्चार्ज कहाँ से होगा, मतलब कि जैसे बैटरी उसमें से कुछ कम होगा, मतलब चार्ज कम होगा ना, तो वो चार्ज करना शुरू कर देगा। जैसे तो सोलर सिस्टम लगवा देने से बहुत ही फायदा है, पहला प्रथम तो हमारा कूलर भी चलेगा, फैन भी चलेगा, देखिए ठंडा पानी के लिए देखिए फ्रिज भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बारे हमारा कूलर वहाँ चल ही रहा है, देख सकते हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ्रिज है, आप लोगों को हम फ्रिज की चला दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको पन्नी को हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं, आप देखिए अब पन्नी हो गया, अब हम फ्रिज को भी चालू करते हैं, इसका तार लगा देते हैं, देखिए तार लगा दिया है, इसको चालू कर दिया, अब हमारा फ्रिज जो है देखिए यहाँ पे एक और स्विच लगा है, लगा देते हैं, देख सकते हैं, देखिए अभी फिर भी बत्ती डायरेक्ट चल रहा है, मतलब बैटरी में फुल चार्ज सही है, देखिए कितने देर में, देखिए फ्रिज भी ऑन करके हम आप लोग को दिखा दिए, देख सकते हैं फ्रिज चलना शुरू कर दिया, अभी हमारे फ्रिज में कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं अभी सारा चीज़ इसमें खाली है, देखिए अभी नया है दोस्तों, बिल्कुल देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को हमारा फ्रिज कैसा लगा, एल जी कंपनी का हमारा फ्रिज है, ठीक है, हमारा फ्रिज जो है एल जी का है, देखिए इसमें पन्नी चला गया नीचे में, इसमें साइड में रखते हैं। अच्छा दोस्तों बहुत लोग आप लोगों के घर पर, बहुत लोगों के घर पर जो फ्रिज लगा होगा, जैसे बहुत लोग देखते हैं कहते हैं दरवाज़ा बंद करते ही लाइट इसमें का बंद हो जाता है, दरवाज़ा जब जैसे देखिए दरवाज़ा को हम बंद करते हैं, इसका लाइट जो है देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से अंदर देखिएगा, देखिए बिता गया, देखिए बिता गया, फिर बढ़ गया, फिर बिता गया, दरवाज़ा बंद कर दिए, देख सकते हैं दरवाज़ा खोलते ही लाइट जलना शुरू कर दिया, तो इसका सिस्टम कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे बटन है, देखिए यहाँ पे बटन है, बटन जब ऐसे दरवाज़ा से दब जाता है, जब बंद करते समय जब दरवाज़ा से ऐसे दब गया तो लाइट बिता जाता है, दरवाज़ा खुलते ही स्प्रिंग को होता है निकल गया है, तो लाइट जलना शुरू कर दिया, ओके दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ्रिज भी चल रहा है, देख पा रहे हैं इसी से चल रहा है इन्वर्टर से, देख सकते हैं हमारा कूलर भी डायरेक्ट चल ही रहा है, लेकिन फिर भी बैटरी अभी फुल ही है, डिस्चार्ज नहीं हुआ, देख पा रहे हैं, देखिए देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अच्छा है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम लगवा लेने से बहुत ज़्यादा फायदा है, पहला प्रथम ये देखिए कि ज़्यादा धूप भी नहीं है, फिर भी बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है, देख पा रहे हैं, अभी देखिए फिर भी बैटरी हमारा फुल चार्ज रही है, फ्रिज भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, देख सकते हैं आप लोगों को दिखा दे देते हैं, देखिए हमारे घर पर लाइन का व्यवस्था नहीं है, जो भी है सोलर इन्वर्टर से है, लाइन व्यवस्था हमारा जो भी है देखता है, देख पा रहे हैं, देखिए अभी भी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ, मतलब उसमें से थोड़ा सा भी चार्ज घटा नहीं है, देख पा रहे हैं, देख सकते हैं अभी डायरेक्ट जल ही रहा है, इसका जल ये दोस्तों जो इसमें ग्रीन बत्ती जल रहा है वाटर में, अगर ये बार बार बिता रहा है जल रहा है तो इसका मतलब चार्ज हो रहा है, अगर डायरेक्ट जलने लगा तो बैटरी फुल चार्ज हो गई, ठीक है, ये तो क्योंकि इन्वर्टर का सिस्टम है, जैसे इन्वर्टर को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट जलने लगेगा, मतलब इन्वर्टर ऑन हो गया है, तो उसके लिए ठीक है, तो आज हम चेक भी कर ले रहे हैं, देख पा रहे हैं हमारा देखिए फ्रिज चल रहा है, वहाँ पर कूलर भी चल रहा है, बदरी में बाहर जो है मौसम बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, चलते हैं बाहर आप लोग को दिखा देते हैं, देखिए देख सकते हैं बदरी बिल्कुल है, देखिए दोस्तों अब चलते हैं घर के अंदर, हम हमारे घर के अंदर देख सकते हैं,
सारी सिस्टम। इसमें देखिए कूलर भी चल रहा है, कूलर का आवाज आप लोग को मिल ही रहा है। यहाँ पे फ्रिज भी चल रहा है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कूलर हमारा भी चल ही रहा है। ठंडा ठंडा हवा मस्त लग रहा है दोस्तों, एक नंबर का। देखिए करीब 13 मिनट हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए कितना अच्छा से फ्रिज चल रहा है। जो है कूलर भी चल रहा है, यहाँ पे फ्रिज भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम लोड पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। देखिए देख पा रहे हैं दोस्तों, तो जो है तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो कर दीजिएगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग बताइएगा ये हमारा सोलर सिस्टम कैसा लगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो को इसी समाप्त कर देते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।